घर धाम आगे अगे घर धाम आगे धरती के सिर जैया दशरथ के राजा के दशरथ के घर मामा जी बधाई आई रघुरैया दशरथ के घर मामा जी बधाई आई रघुरैया अगे अगे घर धाम आगे आगे धर धाम आगे धरती के सिर जैया दशरथ के राजा के दशरथ के घर मामा जी बधाई आगे रघुरैया दशरथ के घर मामा जी बधाई आगे बड़े बड़े असुरता चरिल धरती थर थर कांपे ऋषि मुनि ज्ञानी डर के मारे ओथी भागे बड़े बड़े असुरता चरिल धरती थर थर कांपे ऋषि मुनि ज्ञानी डर के मारे ओथी भागे प्रदिन सुर संत के खाती सूर्य संत के खातिर मानुष रूप धरैया धरती के भुइया के भुइया के भार हरैया हरि हो लखतोरे पैया भुइया के भार हरैया हरि हो लखतोरे पैया प्रधान सुर संत ही तहु रामा भज सिया राम मन मुझे अवतार हो रामा रामा भज सिया राम बड़े बड़े असुरता चरिल धरती थर थर कांपे ऋषि मुनि ज्ञानी डर के मारे प्रदिन सूर्य संत के खातिर प्रदिन सूर्य संत के खातिर मानुष रूप धरैया धरती के भुइया के भुइया के भार हरैया हरि हो लखतोरे पैया भुइया के भार हरैया हरि हो लखतोरे पैया प्रदिन सूर्य संत के खातिर प्रदिन सूर संत के खातिर मानुष रूप धरैया धरती के भुइया के भुइया के भार हरैया हरि हो लखतोरे पैया 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 भुइया के जय प्रधेनु सुर संतहि लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो चंद्र की जय आदरणीय भैया हो मुर्दाई हो ये रामचरित मानस के लेखनी जोन है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी जोन है हबले समझ आयल नहीं करे ये दोहला सुन करके कतको जन प्राणी जोन है ये अर्थ के
ये भावार्थ के सुंदर अर्थ नहीं लगा करके गलत सोच ढंग थे कि एक ही बात बोलते कि भगवान राम लाए के चार ठक कारण बता दे है। चारे झर पर पोकरी भगवान आए है। दोहा के ऊपर छवा पढ़े निश्चित लगते कि विप्रधेन सुर संत हिता ब्राह्मण मर जो ने देवता मन पर गौ माता पर और साधु संत पर भगवान आए है के। लेकिन हम एक अंदर पृष्ठ में जा करके देखन दाई हो तब पता चलते कि भगवान राम महाराज दशरथ के चौथा पनवा ये चार कारण ला साधे पर चार फल दे के कारण ये संसार में आए है। चार फल में का है धर्म है अर्थ है काम है मोक्ष है। एकल्ले बड़े काम न दुनिया में कोनो नहीं रहा दाई हो। धर्म के देवैया कोने वेदज्ञ पंडित ब्राह्मण हमला धर्म के ज्ञान कराते गौ माता के पालन करे से गौ माता के सेवा करे से अर्थव्यवस्था बनते साधु के संगत करे से हमला जो है ज्ञान प्राप्त होते सत्संग करे से ज्ञान प्राप्त होते मोक्ष प्राप्त हो जाते और देवता मन के पूजा करे ले दाई हर व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण हो गए। ऐसे पावन लेखनी के माध्यम ले दोहा के माध्यम ले पूरा जनमानस ला आज जो ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम ले बात ला बताए हैं। यही भावार्थ ला सोचत सोचत हमर परम आदरणीय भाई रवि लोहार जी अपन लेखनी के माध्यम ले उहू गुनगुनाए लगी। कैसे गुनगुन ऐसे भाई ओकरे संग संगे संग चलो हो मन गुनगुनाथन और ये मानस यात्रा में आगे की ओर बढ़थन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।